हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं बैठी हूँ, मैं सुमन, और आप देख रहे हैं सुमन गंगवार की किचन चैनल। मैं आज आपके लिए फिर से हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। चलिए शुरू करते हैं, वो रेसिपी कौन सी है देखते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने मेथी बनाई ले ली है। आज हम मेथी के पराठे बनाएंगे। मेथी के पराठे किसको पसंद नहीं है, और आजकल तो सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में तो बथुआ मेथी हर चीज़ के पराठे सबको पसंद आते हैं, तो सब मेथी का पराठा पसंद करेंगे, इसलिए हमने आज मेथी का पराठा बना रहे हैं। और चलिए शुरू करते हैं। हमने मेथी को ले लिया, अब इसे अच्छे से साफ कर लिया है और इसमें हम इसे हम कट कर लेते हैं। इसकी जो जड़ है हम एक साइड में काट के निकाल देंगे, ये हमारी कोई काम की नहीं है और ये अच्छी भी नहीं लगती, बहुत टाइट टाइट है। देखिए ये जड़ हमने काट के निकाल देते हैं। अब हम इसे बारीक बारीक कट कर लेते हैं। देखिए हमारी मेथी की जड़ एक सारी निकल गई हैं और ये काट लेते हैं बारीक बारीक करके। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने मेथी को कट करके और अच्छे से साफ करके धो लिया है और रख लिया यहाँ पे। और इधर मैंने यहाँ हम आटा ले लेंगे, आटा ले लिया यहाँ पे मैंने, थोड़ा आटा है लगभग ऊपर 250 ग्राम आटा, और हमने इसमें आटा लेकर इसमें हम मेथी को डालेंगे। और यहाँ पे हमने थोड़ा हरा धनिया ले लिया, मेथी का हरा धनिया का अलग अलग टेस्ट रहेगा, बहुत ही अच्छा रहता है इसका फ्लेवर, इसलिए हमने थोड़ा हरा धनिया कट कर लिया और इसे बारीक बारीक करके और इसमें डाल देते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा अजवाइन डालेंगे, ये हमने अजवाइन ले लिया, इसे ऐसे क्रश करके डालेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अजवाइन डाल दी है, थोड़ा सा काला नमक डालेंगे टेस्ट के लिए, और थोड़ा हम टेस्ट के अकॉर्डिंग सादा नमक डालेंगे। अब हम इसे अच्छे तरीके से गूंद लेते हैं मिलाकर। खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी रहते हैं। सर्दियों में हमें मेथी पालक तो हमें ज़रूरी खाना चाहिए। यहाँ पे हम पानी ले लिया, थोड़े नॉर्मल पानी है, थोड़े थोड़े पानी से इसका डो लगा लेते हैं। हम इसका अच्छे तरीके से डो लगा लेते हैं।
यहाँ पे हमारा आटा लग के रेडी हो गया है। अब हम इसे 2 मिनट के लिए ढक कर रख देते हैं। हमने इसे 2 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे और फिर हम इसके छोटे छोटे लोई बनाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे आटा को 2 मिनट हो चुके हैं, अब इस ठीक हो गया है। अब इसके हम पेड़े बना लेते हैं। ये थोड़ा मेथी की वजह से चिपक रहा है। देखिए इतने बड़े बड़े हम पेड़े बना के सारे आटे के रख लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स मेरा पेड़ा बन गया है, अब इसे बेल लेती हूँ अच्छे से। इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे। ये हमारा पराठा बना के तैयार रेडी है। अब हम इसे तवे पे डाल देते हैं। इसी तरीके से हम सारे पराठे बना के रेडी कर लेते हैं। हम अभी इधर से भी सिकने देते हैं, अभी घी नहीं लगाएंगे इस पर। देखिए ये सिक चुका है इधर से। अब मैं इस पर एक घी लगा देती हूँ, घर का देसी घी है। आप इसे कोई ऑयल से बना सकते हैं, वैसे देसी घी से बनाए तो और ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसमें टेस्ट आता है। ये हमारा पराठा बन के रेडी है। इसी तरीके से हम सारे पराठे बना के रेडी कर लेते हैं। सर्दियों में देसी घी जम जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा टाइट रहता है।
ये पराठे बन के रेडी हो चुके हैं। देखिए कितने टेस्टी और कितने सुंदर लग रहे हैं ना। इन्हें आप चटनी, दूध, चाय, किसी के साथ सर्व, अचार किसी के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही खाने में टेस्टी और हेल्दी लगते हैं, और आप इन्हें एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोगों को मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे नए नए वीडियो आप तक अच्छे जल्दी से पहुँचें। थैंक यू, बाय बाय।